बात तो यहाँ पर करेंगे हम कंपैरिजन छोटा सा Redmi Note 6 Pro का Redmi Note 5 Pro भी कहा जा सकता है Redmi Note 5 AI भी कहा जा सकता है। तो करेंगे छोटा सा कंपैरिजन कैमरा सैंपल वगैरह। तो जनता एक लाइक बनता लाल को काला बनता क्योंकि मैं एक्सप्लोर करता हूँ दुनिया की बेस्ट प्राइस MI की जो कि नंबर वन ब्रांड है इंडिया का। तो साइड बाय साइड मैंने रखा है Redmi Note 6 Pro को Redmi Note 5 Pro को। अब यहां से आप नहीं बता सकते हैं दोनों कौन सा Note 6 कौन सा है Note 5 कौन सा है क्योंकि दिखने में बैक में दोनों एक जैसे ही हैं। अगर हम इसको फ्रंट में लेके आएंगे यहां से आप बिल्कुल पहचान लेंगे कि ये कौन सा Note 5 है और कौन सा Note 6 है क्योंकि यहां पर हमें एक फुल स्क्रीन देखने को मिलती है, यहां पर हमें एक नॉच देखने को मिलती है। अब सबसे पहले इसका कैमरा सैंपल करेंगे, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करेंगे, इसका फेस अनलॉक चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की यहां पर हम बात करें। दोनों को साइड बाय साइड रखे उम्मीद करता हूं कैमरा ने बराबर क्या होगा फोकस जो तो हेडफोन जैक Note 5 Pro में या Note 5 AI में नीचे की तरफ है, यहां पर Note 5 Note 6 में ऊपर की तरफ है। IR ब्लास्टर दोनों में दिया गया है, माइक्रोफोन यहां से तो सिर्फ हेडफोन जैक का डिफरेंट और बाकी सेम है। यहां से अगर बात की जाए तो सेम पावर रॉकर MI के तो हमेशा ही सेम ही रूटीन के पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन होते हैं। कैमरा बम्प की बात की जाए तो कैमरा बम्प जो है यहां पर आप देख सकते स्लाइडली थोड़ा सा कम अंदर है। जो Note 6 Pro का जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा अंदर है, Note 5 AI वाला है जो Note 5 Pro भी कहा जाता है उसका थोड़ा सा कैमरा बम्प जो है वो बाहर है। अब आप यहां पर देखिए ये यहां पर एक प्रीमियम तरह का डिजाइन है जो कट है, आप यहां देखिए टोटल प्लास्टिक है लेकिन यहां पर जो इस एक तरह से लगता है कि ये भी अल्मोनियम हो क्या बोलते हैं एक मेटल हो लेकिन लग तो प्लास्टिक रहा है लेकिन हो सकता है कि ये प्लास्टिक हो। लेकिन जो डिजाइन है यहां पर आप देख सकते एकदम अच्छा कट दिया है यहां पर। अब नीचे की बात की जाए यहां पर तो कैमरा कर ले फोकस, कैमरा फोकस हेडफोन नीचे की तरफ दिया है Note 5 में। बाकी यहां पर जो मैक्रो यूएसबी की केबल है सेम है, यहां पर दो स्पीकर जैसे ग्रिल दिए गए हैं। Note 5 Pro में दो स्पीकर जैसे ग्रिल नहीं दिए गए हैं, एक ही दिया गया है, एक छोटा साइज दिया गया लेकिन यहां पर दो दिए गए हैं। अब इस साइड के सिर्फ सिम ट्रे मिलते हैं और हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूं कि कैमरा ने किया होगा बराबर फोकस। अब दोस्तों मैंने इसका फिंगरप्रिंट सेंसर ऑलरेडी स्टोर करके रखा है, एक में रखा है मैंने लेफ्ट में और एक रखा है मैंने राइट में। अब ये देखते हैं कि फिंगरप्रिंट किसका फास्ट है। एक बार फिर से बिल्कुल ऑलमोस्ट दोनों का, चाहे वो Note 5 हो या Note 6 हो या Note 6 Pro और Note 5 Pro का जो फिंगरप्रिंट है वो एकदम से एक जैसा ही है, दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम फेस अनलॉक की जो मैंने ऑलरेडी स्टोर कर दिया, यहां पर आपको स्क्रीन में भी बराबर दिख रहा हो। अब मैंने ऑन किया, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में कहा था कि Note 6 Pro का जो फेस अनलॉक है वो स्लाइडली स्लो है। आपके सामने यहां पर होगा, उम्मीद करता हूं कैमरा ने बराबर किया होगा फोकस। जी बिल्कुल आपके सामने है यहां पर जो फेस अनलॉक है वो Redmi Note 5 का काफी बढ़िया। अब स्क्रीन क्वालिटी की बात करते हैं तो स्क्रीन क्वालिटी में डेफिनेटली Redmi Note 6 Pro काफी प्रीमियम लग रहा है। यहीं से आप देख सकते हैं ये नॉच के साथ और प्रीमियम देखने को लगता है। यहां पर दोनों ही 32GB वाले हैं, ये दोनों में 3GB की रैम है। प्राइस दोनों की क्या चल रही है प्राइस, हालांकि Note 6 Pro अभी तक तो अवेलेबल ही नहीं है। यहां पर थोड़ा सा कैमरा सैंपल की बात कर लेते हैं हम, यहां पर मैं कुछ सैंपल ले लेता हूं, दिन का वक्त है बाहर जाके थोड़ा सा मैं कैमरा के सैंपल ले लेता हूं और फिर आपको आके मिलता हूं, जाना मत।